हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्खीर। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से गाने हैं जो रिलीज़ हुए हैं। मैंने सुना है कि अभी हाल ही में गाना रिलीज़ हुआ है एक, जिसको आपने देख लिया होगा थंबनेल पर, कि वो गाना कॉपी है पाकिस्तान के ओल्ड गाने से। तो वो कौन सा गाना है, कौन कौन से गाने हैं इसके अंदर, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सोने को कोला पिया दे, जालिमा को कोला पिया दे, जालिमा को कोला पिला दे, जालिमा। ओके, नंबर 10। जी टीवी अवार्ड है, पी टीवी अवार्ड। मुझको दफना कर वो जब वापस जाएंगे, साथ रखे वो के वो जश्न मनाएंगे। आधुक मलू मैं तेरे हाथों में, आसक्ता करूं मैं तेरे हाथों में, ओ सुबह की मेहंदी छलक रही है, आ जा माहिया। ये ले जा ले जा, अच्छा से ला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। आई थिंक 90% कॉपी निकलेंगे अगर चेक किया जाए तो। चाहो मुझे कि मैं एक पल तुमसे दूर रहना सकूं। ओके, इतना पीना चाहो मुझे कि मैं पल भर तुमसे दूर रहना सकूं। कितनी चाहत ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। या बहुत लोगों का फेवरेट, ये भी कॉपी खाई है। चले तो भट जाए बन जाए मैं तेरा शहर।
सुना भी था चूल्हे जमशेद का। ओके तो एक से एक गाना, लेटेस्ट गाना जैसा हमने सुना जालिमा कोका कोला पिला दे, वो अब आकर रिलीज़ हुआ है लेटेस्ट। नूरा फतेही ने उसमें डांस किया है, पिला दे वो सिंगर थी नूर जहां। और ये जो था गाना बहुत ही पुरानी मूवी का पाकिस्तानी सॉन्ग हमें सुनने को मिला शुरू में जो हमने देखा। और उसके अलावा बहुत सारे गाने और भी शॉकिंग थे जो मतलब मुझे ये लगने लगा है मतलब देखने के बाद गानों को कि 90% कहीं गाने अगर चेक किए जाएँ तो जितने भी फेमस गाने हैं वो 90% जो बहुत ज़्यादा पब्लिक में फेमस हुए हैं इंडिया में वो पाकिस्तान से कॉपी करे हुए आप कह सकते हैं, वो वही निकलेंगे अगर चेक किया जाए तो, ऐसा मुझे लगने लगा है। बाय द वे ओरिजिनल गाने को इसमें जालिमा कोका कोला वाले में इसमें क्रेडिट दिए हुए हैं नीचे, सिंगर से लेके जो भी हैं सारे डिटेल्स इसमें आप चेक कर सकते हैं जाकर। लेकिन कॉपी तो कॉपी है, कॉपी बोला जाएगा उसको, यहाँ तक कि अवार्ड शो वाला भी जी टी वी और पी टी वी का कॉपी कर दिया गया था तो उसको देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी, मतलब वो भी था थोड़ा सा ऐसा ही था लेकिन उसको भी मतलब। एंड फिज़ा मूवी का जो गाना था वो कॉपी था, मुझे मतलब उसको देखकर अजीब लगा क्योंकि बहुत से लोगों का फेवरेट था एंड बहुत बढ़िया गाना भी था, वो बहुत हिट भी रहा था लेकिन अब पता चला कि कॉपी था, था तो था अब पता चल रहा है। एंड अच्छा सिला दिया और मौत ने मारा है हमको इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, वो भी अताउल्लाह के दो तीन गाने थे इसमें, आई थिंक तीन या चार गाने होंगे या फिर तीन गाने थे जो कॉपी करे हुए थे अताउल्लाह खान के गानों से बने हुए गाने थे, बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहे हैं एंड अताउल्लाह खान का काफ़ी नाम है दुनिया में, तो वो गाने भी कॉपी थे जो बहुत ज़्यादा पब्लिक को पसंद आए हैं पुराने टाइम के गाने। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊँगा उस वक्त का राजेश खन्ना जैसे स्टार पर फिल्माया गया गाना भी पाकिस्तान के गाने से कॉपी है, कॉपी किया हुआ है, ये जानकर बड़ा दुख होता है लेकिन पब्लिक ने उसको बहुत एंजॉय किया है, बहुत मज़ा लिया है, बहुत ज़्यादा लोगों का फेवरेट रहा है वो गाना एंड आज भी लोगों के दिलों में बजता है वो गाना। मेरे हिसाब से पुराने लोग जो हैं उसको बहुत पसंद करते हैं लेकिन एक पहचान भी मिली है उस गाने को, नई पहचान आप कह सकते हैं कि वो मिली है बॉलीवुड में आने के बाद। जुनैद जमशेद का गोरे रंग का पराडा जो गाना 2019 में आलिया भट्ट पर फिल्माया गया था वो भी कॉपी निकला एंड अमेजिंगली मुझे देखकर बहुत सही लगा कि यार ये गाने कॉपी किए हुए हैं, मतलब वहाँ से लिए गए हैं, कुछ में क्रेडिट्स दिया जाता है कुछ में नहीं दिया जाता है लेकिन क्रेडिट्स के बाद भी मैं यही कहूँगा कि ओरिजिनल तो ओरिजिनल है लेकिन आप कितना भी अच्छा या फिर फेमस हो जाए सेकंड गाना जो कॉपी किया हुआ है या फिर उसको देखकर बनाया गया है लेकिन वो सेकंड ही कहलाएगा और ओरिजिनल ओरिजिनल ही कहलाएगा। तो कमेंट करके बताइए आपके क्या व्यूज़ हैं। आप मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस वीडियो को देखकर, अगर आपको आया तो लाइक करके शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जाते जाते कॉमेंट छोड़कर जरूर जाएँ। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।